एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिक्स वेज रायता, और वो बहुत यमी लगता है। जब भी आपको जल्दी से बनाना हो तो ये रायता ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना। ये देखिए, मैंने हाफ लीटर कर्ड ले ली है, और कर्ड ली है मैंने घर की जमी हुई, क्योंकि घर पे जमाई थी। आप उसको हमेशा ऐसे विस्कर से विक्स करें, अगर आप मिक्सी में करेंगे तो ये पानी छोड़ देगी। ये देखिए, इतना सा करते ही हमारी जो कर्ड है वो बहुत स्मूथ हो गई है। आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो ऐसे हमें कर्ड तैयार करना है रायते के लिए। जब भी कोई आता है और हम जल्दी से रायता बनाते हैं तो हम मोस्टली बूंदी का रायता बना देते हैं, बट उसकी जगह आप ये मिक्स वेज रायता ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर के अंदर। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। टोमेटो को मैंने बारीक काट लिया है, अच्छा रेड टोमेटो लिया है, चॉपर में नहीं किया क्योंकि ये मैशी हो जाएगा। ऐसे ही खीरा भी मैंने एक बारीक काट लिया है। इतनी सारी वेजिटेबल्स हों, और आप सब्जी की तैयारी करते ही हैं किसी के भी आने के बाद, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। जिनको भी मैंने खिलाया है उनको ये रायता बहुत टेस्टी लगा है। इस तरीके से काफ़ी सारी सब्जियाँ भी जाती हैं, और अगर आप सैलेड एक बार नहीं काटेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आधा लीटर में ये इस तरीके से बनकर तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, यानी नमक डल गया स्वाद के अनुसार। ये भुना हुआ जीरा है, थोड़ा सा हम ये डालेंगे, और ये मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। ड्राई पुदीना है, सूखा पुदीना पत्ती का पाउडर है, और थोड़ा हम डालेंगे काला मिर्च, सॉरी काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। इसके अलावा मैं और कुछ इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको करेंगे हम मिक्स, ये देखिए। और यहाँ पर आप टेस्ट करके देख लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके। ये देखिए कितना बढ़िया ये यम्मी रायता बनकर तैयार है। देखिए, हर बाइट में सारी वेजिटेबल्स आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। तो हमने ये थोड़ा थोड़ा पाउडर जो है वो बचाया हुआ है, तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा, फिर थोड़ा सूखा पुदीना, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। लग रहा है ना सुंदर देखने में? और ये अब हमारा झटपट बनने वाला रायता जो है वो तैयार है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। मैंने वीडियो बनाई है और ये 3 मिनट के अंदर बन गई है, यानी इन तीन चीज़ों से हमने बनाई है। अगर आप चॉप करके रखेंगे तो 5 मिनट से भी कम समय में बनाइए ये टेस्टी सा रायता।